आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। आदरणीय सभापति जी, हमको बहुत सुनाया गया है और हमने सुना है। लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेवारी है, और आज जो भी बातें हुई हैं उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है।